निजीकरण के विरोध में दूसरे दिन भी बैंक कर्मियों ने हड़ताल रखा। आपको बता दें, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने दो दिवसीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें बैंक के विभिन्न संगठनों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दो दिन के लिए बैंकों पर ताले लटके रहे। इस दौरान बैंक कर्मचारियों ने बैंक रोड के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा से पूरे शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में SB त्रिपाठी ने बताया कि सरकार के द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल किया गया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के फैसले को सरकार वापस ले, अगर मांग नहीं मानी जाती है तो सभी बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगठन के SB त्रिपाठी ने कहा, SB त्रिपाठी एरिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ सर्किल गोरखपुर अंचल। बैंकों के निजीकरण के विरोध के संबंध में जो है यूनाइटेड फोरम बैनर के तले जो है 10 राष्ट्रीयकृत बैंक जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार की अड़ियर रवैया की वजह से जो है निजीकरण की साजिश रची जा रही है। वार्ता विफल होने के बाद 15 और 16 मार्च की हम लोग यूनाइटेड फोरम बैनर के तले जो है आज स्ट्राइक पर हैं। मांगे हम लोग हैं, मांग हम लोगों का बैंकों को जो है निजीकरण से रोका जाए, बैंकों की संपत्ति जो है प्राइवेट हाथों में न दिया जाए। बैंक हमारे जो है निजीकरण के संबंध में हम लोग बात नहीं करना चाहते हैं।